सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। सफलता का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पार कर पाते हैं या नहीं। जिंदगी में हमने चाहे कितने भी सबक पढ़े या किताबों से, पर याद वही रहती है जो दुनिया की ठोकरों ने सिखाए हो। आज का पंचांग 29 जून 2022 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सुबह 8:22 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 10:08 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:30 से 2:10 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मिथुन राशि पर ही रहेंगे। धनुराशि 29 जून 2022 दिन बुधवार, यात्रा में जटिलता जैसे दुर्घटना या चोट से आप कानूनी चिंताओं का सामना करेंगी। उस रहस्य को शेयर करें जो आपको परेशान कर रहे हैं। मेहनत करें जिससे आपको अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं। आप अभी दुश्मनों के साथ अकेला महसूस कर सकते हैं, ऐसे में परिवार का समर्थन याद रखें। कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। रिश्तों में साझेदारियों और व्यापारिक सौदे के लिए आज का दिन उपयुक्त है। कुछ नया और अलग करते रहें और गलतियां करने में संकोच ना करें, क्योंकि सीखने से ही आप निपुण बनेंगे। अपनी कामयाबी को इतना छोटा ना समझें, केवल नसीब वालों को ही यह मिलती है। आज का गोचर आपके लिए मान सम्मान तथा नई उपलब्धियां उपलब्ध कराएगा। प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क भी बनेंगे। इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हथियार डाल देंगे। पिछली बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी भी बात को पूरी तरह से भूल पाना संभव नहीं है, इसलिए जो भी भावनाएं हैं उन्हें ठीक से समझने की कोशिश करें। अन्य लोगों से मिल रहे सुझाव पर ध्यान देना होगा। काम से संबंधित बड़ी प्रगति प्राप्त करने की इच्छा में गलतियां हो सकती है, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें। रिलेशनशिप में उत्पन्न होने वाली छोटी मोटी तकलीफ की वजह से रिश्ता टूटने की गलती बिल्कुल ना करें। हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। सावधानियां, छोटी सी गलती अथवा लापरवाही आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर दोबारा सोच विचार अवश्य करें। विद्यार्थियों का भी अपनी पढ़ाई से ध्यान भटकेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी घर में चल रही किसी समस्या को साथ बैठकर सुलझाएं तो अवश्य ही सफल होंगे और घर का वातावरण सुखद हो जाएगा। मेहनत से आप अपने जीवन में रंग भर सकते हैं और इन आनंददायी पलों का पूरे दिल से स्वागत करें। अभी आप अपने आप को श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं वो आपके साथ है। विवाद या मुकदमेबाजी से विचलित होंगे। महीने के या कुछ दिन आपको नई दुनिया में ले जाएंगे, जहां आपको आपके सबसे खास व्यक्ति का प्यार और सम्मान प्राप्त होगा। रोमांस भी आज चरम सीमा पर होगा। आज आप स्वयं को बेहद भाग्यशाली मानेंगे। दूसरों की गलतियों और अनुभवों से कुछ सीखें। आपकी सफलता और आपका हसमुख रवैया आपकी ताकत है। बात करते हैं करियर की। आज वो सब चीजें आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। आपकी उदासी और अकेलापन किसी खास की कंपनी से दूर होंगे। अपने कर्तव्यों का पालन करना आप अच्छे से जानते हैं। विचारों में बदलाव आपके जीवन को बदल सकता है। आज समय है अपने संबंधों को मजबूत बनाने का। अगर आप सेल्स हैं तो आज आप एक बड़े सौदे की उम्मीद कर सकते हैं। कड़ी मेहनत और विश्वास आपको सफल होने में मदद करेंगे। कुछ नया या अलग करें। याद रखें जो वर्तमान को नियंत्रित कर लेता है उसका अतीत और भविष्य दोनों नियंत्रित रहते हैं। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सिर्फ वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें। आज का उपाय,
आज अब गाय को हरा चारा खिलाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।